हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट द रेट 10% पर एनम। यानी कि हमने कोई पैसा कर्जे पे लिया है ₹10,000 डेढ़ साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से, और हमें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंड रेट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट पे करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, वुड दिस द इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ द वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बजाय अगर एनुअली लिया होता, तब क्या हमें इंटरेस्ट जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा पे करना पड़ता, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखो, पहले इसमें जो कुछ वर्डिंग यूज़ हुई है, एनुअली, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड, मैं इनका मतलब समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंपाउंडेड का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़े। जैसे मैंने कर्जा लिया, ₹100 का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट था, 100 का 10% ₹10 होता है, दोनों को प्लस किया, कितना है 110। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट को उसमें ऐड कर दिया प्रिंसिपल में, जो हमारा अगला अमाउंट आता है इसी पे हम 10% कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है ₹11। जो इंटरेस्ट पहले साल हमारा ₹10 था, अगले साल ₹11 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो हमारा जो अमाउंट आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट हर बार पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट वो उसमें ऐड हो जाता है, फिर जो अमाउंट बनता है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने इसे ₹11 को इसमें ऐड कर दिया, 120 बनाया, फिर इसका मैंने 10% निकाला, 12.1। तो देखो, पहले साल ₹10 था, फिर 11, फिर 12.1, तो इंक्रीज़ होता रहता कंटिन्यू। अब इस तरीके से निकालने की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जैसे मुझे 3 सालों का निकालना है, सीधा यहाँ से यहाँ आना है, तो हर साल का निकालने की बजाय डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100 इंटू में इसकी जो पावर होती है वो एन होती है। एन यहाँ पे शो करता है कि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होता है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। अमाउंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों चीज़ इंक्लूड होती है। तो अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है कि ₹100 हमने लोन लिया जिस पे 10% इंटरेस्ट लगाया, ₹10, अगले साल भी ₹10 ही लगेगा, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अब इसके बाद में कई बार जो अमाउंट है निकालने के लिए हमें बोल दिया जाता है, वो ईयर जो होते हैं वो किस में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं हमारे, यानी कि 2.5 ईयर या 3 1/3 ईयर। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो 2 दे रखा है फॉर्मूले में, एन की जगह 2 मेंशन कर देना है, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1/2। अगर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा मेरा, और साथ में मल्टीप्लाई लगा के क्या लिख देंगे, जो इसका 1/3 है रेट के साथ में 1/3 पार्ट यहाँ मेंशन कर देना है। फिर कुछ वर्ड यूज़ हुई थी इसमें, एनुअली, हाफ ईयरली, उनका क्या यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। देखो, एनुअली का मतलब होता है आपका जो रेट है वो सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा। जब यूज़ कर लिया जाए वर्ड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या होगा, रेट को आपको हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो, एक साल में, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, 6 महीने एक साल में 2 बार होते हैं, यानी कि पहले 6 महीने फिर दूसरे 6 महीने, तो इसलिए टाइम को हमेशा क्या कर दिया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डबल कर दिया जो रेट को हाफ। क्वार्टरली वर्ड यूज़ होता है तो क्या करा जाता है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और रेट को 1/4 कर दो। यहाँ पे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो पहले इसको हाफ ईयरली से करेंगे और फिर इसको एनुअली से करेंगे। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करना, आपको रेट को हाफ कर देना है, 10% है तो इसका हाफ कर दो 5%, और टाइम को डबल, टाइम हमें दे रखा है 1.5 ईयर, मतलब 2 1 2 और 1 3 3/2 ईयर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कट गया, कितना आया 3 ईयर निकल गया, आ गया हमारा। ठीक, अब इसका हम पहले अमाउंट निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, प्रिंसिपल कितना है 10,000 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस में आर हमारा कितना है 5 अपॉन 100, टाइम हमें कितना लेना है 3 लेना है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा मैंने 10,000। करने के बाद यहाँ देखो, मैंने इसको सॉल्व किया, 100 प्लस में 5 105, इसकी पावर 3, 10,000 यहाँ लिखा, अब पावर 3 है इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है हमें, तो मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ, 105 अपॉन 100 105 अपॉन 100 105 अपॉन 100। करने के बाद देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचा, देखो ये 5 2 10 5 1 5 5 2 10 0 आया, तो यहाँ बचा 105
इंटू 105 इंटू 21, नीचे बचा है सिर्फ 20, 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 टू जा 10 1, 5 4 जा 20 आ गया। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 आया, 105। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 का डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह हमारा 46,305 एंड डिवाइड बाय 4। 4 का जब मैंने इसमें डिवाइड दिया तो हमारा निकल के आया 11,576.25 रुपीज़। यानी कि अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली मेथड से सॉल्व करते तो इसका 1.5 ईयर में इतना अमाउंट बन जाता। अगर यही हम काम किससे करते, एनुअली से करते। ठीक है, अब इसी काम को मैं एनुअली मेथड से आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें और एनुअली में और हाफ ईयरली में कितना चेंजेस आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि एनुअली के अंदर क्या करना है, प्रिंसिपल 10,000, रेट भी सेम रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम भी क्या रहता है, सेम ही रहता है एनुअली के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, हमारा अमाउंट निकालेंगे, देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 10,000 लिखा, 1 प्लस रेट कितना हमारा 10, यहाँ 10 अपॉन में 100 लिया, कितने ईयर है 1.5 ईयर। अब देखो जो पहला इसका नॉर्मल अमाउंट नेचुरल नंबर होता है ये तो हमें यहाँ लिख देना है, इसके बाद 1 प्लस में जो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको क्या लिखना, हमें इसके साथ लिखना है रेट के साथ, रेट कितना हमारा 10 अपॉन में 100 होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपका 2.5 ईयर हो तो 2 इसके साथ आएगा और इसके साथ क्या करना है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ पे 3 1/3 होगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे यहाँ पे 1.5 है, तो 1 इसके साथ आ गया और इसके साथ आ गया, हाफ आ गया। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको, 10,000 आया मेरा। ठीक, 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया, 1 प्लस में 1 अपॉन में 10 आया निकल गए, यहाँ पे 1 प्लस में 0 से 0 कैंसिल हुआ, देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टेन सा 20 निकल गया, आ गया यहाँ पे 10,000 हुआ हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, 10 1 10 प्लस में 1 कितना हुआ 11, बीच में निशानी मल्टीप्लाई, 21 20 प्लस में 1 21 अपॉन में 20 निकल गया, आ गया बीच में निशानी है तो मल्टीप्लाई होगा, फिर 10,000 11 21 10 अपॉन 20। अब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ 100 बचा, 100 इंटू 11 इंटू 21, 2 का मैंने डिवाइड दिया, कितना आया 50। ठीक, 50 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 550 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा निकल गया है 11,550 रुपये 21 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ देखो अगर हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया तो 11,576.25 आया, एनुअली के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया तो 11,550 आया। तो कहने का मतलब हाफ ईयरली के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और एनुअली में कम मिलेगा। अब कितना ज़्यादा मिलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया ही गेट मोर इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसके अंदर से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कितने मिलेगा माइनस किया तो 2625 उसको ज़्यादा मिलेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।